आज हम सीखेंगे कि एक्सेल पर वर्ड आर्ट का यूज कैसे करते हैं। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल ओपन कर रखा है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि वर्ड आर्ट होता क्या है। तो दोस्तों, वर्ड आर्ट का यूज करके टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हम सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इधर साइड में देखिए वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। उससे पहले ये बात याद रखना है कि अगर आपको हेडर एंड फूटर का यूज़ करना नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, तो देखिए अभी हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगे उस पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए योर टेक्स्ट हेयर कुछ इस तरह से आ चुका है। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको रिमूव करके गुफरान लिख देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर इस वर्ड पर इफ़ेक्ट डालना है तो ऊपर देखिए अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट इफ़ेक्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर शेडो वाला इफ़ेक्ट है और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए गए हैं। फिलहाल अभी हम सबसे लास्ट वाले इफ़ेक्ट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करते हैं। अब इसमें आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, आपको जो अच्छा लगे उस पर इस तरह से क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर इस टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करना है तो ऊपर देखिए टेक्स्ट आउटलाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आउटलाइन कलर मिल जाएगा। अगर आपको आउटलाइन मोटी पतली करना है तो यहाँ पर वेट में आपको मिल जाएंगी। अगर आउटलाइन स्टाइल चेंज करना है तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद इसमें आपको हर तरह के स्टाइल मिल जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वर्ड के अंदर पिक्चर या कोई कलर चेंज करना है तो ऊपर टेक्स्ट फिल ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। नीचे देखिए पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ से पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे बहुत सारे स्टाइलिश कलर दिए गए हैं, आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।